गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ वो काफी जाना माना प्रोडक्ट है और आप में से बहुत सारे लोग शायद उसको यूज भी कर रहे होंगे और आप में से बहुत सारे लोगों के घरों में वो अवेलेबल भी होगी। काफी जानी मानी चीज है, मैं बात कर रही हूँ विको टर्मेरिक क्रीम के बारे में। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ इस क्रीम का रिव्यू भी, साथ में इसके बेनिफिट्स भी, और ये क्रीम जो क्लेम्स करती है उस क्लेम्स में ये कितनी खरी उतरती है ये सब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि मैं शेयर करूंगी कि क्या है सही तरीका इस क्रीम को यूज करने का जिससे कि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है गाइस, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दे ताकि मेरे वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा थोड़ा सा भी तो कमेंट बॉक्स में एक स्माइली जरूर डाल देना, और अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर आई डू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। विको टर्मेरिक क्रीम काफी सालों से विको लेबोरेटरीज में इंडिया में बनाई जा रही है और ये क्रीम क्लेम करती है कि ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि प्रिवेंट करती है, क्योर करती है आपके स्किन इन्फ्लेमेशन को, इन्फेक्शन को, ब्लेमिशेस को, वूंड्स को और अदर स्किन डिसऑर्डर्स को, या आपके बॉयल्स को, पिंपल्स को, एक्ने को, बर्न्स को सूथ करती है, आपकी स्किन को नरिश करती है, इम्प्रूव करती है आपकी स्किन टोन को और आपकी स्किन को फेयर एंड ब्यूटीफुल बनाती है। ये क्रीम डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होने के साथ साथ क्रूल्टी फ्री भी है और इसके मेन इन्ग्रीडियंट है एक्सट्रैक्ट्स ऑफ टर्मेरिक, वुड ऑयल और इसमें स्टेम ऑयल भी है और एक्सीपिएंट है जो कि एक नॉन ग्रीसी बेस होता है। ये क्रीम इस तरह की ट्यूब पैकेजिंग में आती है, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है। इसका जो टेक्सचर है ये थोड़ा सा हल्का येलो कलर का है, काफी क्रीमी टेक्सचर है और ये जो क्रीम है ये बहुत ही आराम से आपकी स्किन में स्प्रेड भी हो जाती है, एब्जॉर्ब भी हो जाती है और आपको मैट फिनिश देती है। बात करें अगर इस क्रीम के बेनिफिट्स की तो इसके बेनिफिट जो है वो बहुत सारे हैं क्योंकि इसमें टर्मरिक है और सैंडलवुड है और सबसे खास बात कि ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है तो ये सबसे पहले तो काम करता है आपके एक्ने पे और आपके पिंपल्स पे और आपके एक्ने स्कार्स पे भी काम करता है, डार्क स्पॉट्स पे भी काम करता है। इसका रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है गाइज, लेकिन अगर आप इसको डेली यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो स्किन है उसका जो टेक्सचर है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव भी होगा, आपके डार्क स्पॉट्स भी कम होंगे और आपके जो पिंपल्स और एक्ने हैं वो भी काफी कम हो जाते हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको विको टर्मेरिक क्रीम में कोई भी मॉइस्चराइजर मिक्स करके लगाना है ताकि जो आपकी स्किन है वो अच्छे से मॉइस्चराइज भी हो जाए। एंड गाइस, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको इसमें एलोवेरा जेल मिक्स करके लगाना है ताकि जो आपकी स्किन है उसमें ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस ना हो, और एलोवेरा जेल में भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है और वो काम करता है आपके एक्नेस पे, आपके पिंपल पे, आपके ब्लेमिशेस पे भी और आपके डार्क स्पॉट्स पे भी। एंड गाइस, अगर आप इस क्रीम को यूज करना चाहते हैं एज अ नाइट क्रीम तो आप विको टर्मेरिक क्रीम में थोड़ा सा बेबी ऑयल या फिर कोई भी फेशियल ऑयल जो भी आपके घर में अवेलेबल है उसको इसके साथ मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं और फिर आपको रात को सो जाना है और सुबह उठ के आप अपने फेस को वॉश कर लें एंड आप देखेंगे कि जो आपका चेहरा है वो काफी हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज हो जाएगा। अगर आप इस क्रीम को मॉर्निंग में अप्लाई कर रहे हैं एज अ मॉइस्चराइजर तो आप इसके साथ सनस्क्रीन लोशन जरूर यूज करें ताकि सन का जो भी हार्मफुल डैमेज है उससे आपकी स्किन बची रहे। एंड गाइस, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, आपके फेस पे बहुत सारे पिंपल्स हैं, पिंपल के मार्क्स हैं, तो आप इस क्रीम को एज अ मेकअप बेस भी अप्लाई कर सकते हैं और फिर इसके ऊपर आप जो भी मेकअप चाहे वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है कि जब हम पिंपल्स के ऊपर मेकअप अप्लाई करते हैं तो उनकी जो कंडीशन है वो और भी ज्यादा वर्स्ट हो जाती है, तो ये जो क्रीम है ये एक प्रोटेक्शन लेयर बनाती है आपके मेकअप के बीच में और आपकी ऑयली स्किन के बीच में। अगर आप विको टर्मेरिक क्रीम को अपने पिंपल्स और एक्ने को ठीक करने के लिए यूज कर रहे हैं तो इसको सिर्फ अपने जो नए आने वाले पिंपल्स हैं या फिर जो टाइनी बम्स टाइप के पिंपल्स होते हैं, छोटे छोटे पिंपल्स होते हैं जो कि बार बार हमारे फेस पे आ जाते हैं डर्ट की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, तो ऐसे पिंपल्स और एक्ने पे तो ये बहुत ही ज्यादा असरदार है। लेकिन अगर आपको सिस्टिक एक्ने की प्रॉब्लम है या फिर आपके जो एक्ने और पिंपल्स है वो काफी ज्यादा क्वांटिटी में है और काफी बड़े बड़े हैं तो आप इस क्रीम को अप्लाई ना करें क्योंकि हो सकता है ये आपको इतना फायदा ना करे। तो अब बात करते हैं इस क्रीम के प्रॉन्स एंड कॉन्स की। तो अगर फायदों की बात करूं तो इस क्रीम के फायदे तो बहुत सारे हैं। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, आपकी स्किन को गोल्डन ग्लो प्रोवाइड करती है, आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करती है, आपके स्किन टोन को भी इम्प्रूव करती है, आपके पिंपल्स पे काम करती है, एक्ने पे काम करती है, यहाँ तक कि ये आपके ब्लेमिशेस पे भी काम करती है, डार्क स्पॉट्स पे भी काम करती है। यानी कि इसके जो फायदे हैं वो बहुत ही सारे हैं और ये आपको अलग अलग तरह के इन्फेक्शन से भी बचाती है क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक क्रीम है और आप इसको यूज कर सकते हैं अपने कट्स पे, अपने वूंड्स पे, या फिर आपको स्किन में कहीं पर भी कोई इन्फेक्शन हो गया है तो आप इस क्रीम को आराम से यूज कर सकते हैं। एंड अगर बात करूं इस क्रीम के कॉन्स की तो ऐसा तो कोई बहुत बड़ा कॉन इस क्रीम के अंदर नहीं है, कोई भी इसका साइड इफेक्ट वगैरह भी नहीं होता है। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट की फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम है तो इस क्रीम की जो फ्रेग्रेंस है वो काफी ज्यादा है, इनफैक्ट काफी देर तक आपकी स्किन से आती रहती है। तो अगर आपको फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट से प्रॉब्लम है तो आपको शायद इससे थोड़ी सी इरिटेशन हो सकती है,
एंड गाइज ये जो क्रीम है ये आपके फेस को थोड़ा सा ड्राई कर देती है, तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको इसमें एलोवेरा जेल मिक्स करके लगाना है। एंड गाइज हो सकता है कि एप्लीकेशन के बाद ये क्रीम आपकी स्किन को थोड़ा सा ड्राई कर दे, तो बेटर होगा कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप मॉइस्चराइजर के साथ इस क्रीम को यूज करें, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूं। एंड गाइज एक और चीज की इसका जो टेक्सचर है वो कैमेडोजेनिक होता है और ये आपके पोर्स को क्लॉग भी कर सकती है। तो गाइज दिस वॉज माई टूडेज वीडियो एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इन्फॉर्मेटिव साबित होगा। अगर आप भी इस क्रीम को यूज करते हैं या फिर इसको यूज के बारे में सोच रहे हैं, आप भी मेरे बताए हुए तरीके से स्क्रीन को यूज कीजिए और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। और अगर आपका कोई सजेशन हो या कोई क्वेरी हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर कर देना गाइज, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक जो है ना वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। और अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, वैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आती रहती हूँ। एंड गाइज अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और अगर आपका कोई डाउट है तो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। आपसे ऐसे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी ब्यूटीफुली बेस्ट।